सो गाइस, एसएससी सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन आपका होता जा रहा है लेट। आज आपका हो चुका है डेट 26 और नोटिफिकेशन का कोई अभी तक भी नहीं पता है। तो गाइस, ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए ये देखिए, नोटिफिकेशन तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, देर सवेर आएगा। यस, आप ये नहीं सोच सकते कि 2025 में आएगा, क्योंकि आपका सबसे पहला नोटिफिकेशन है, पूरा साल आपके पास में है। यस, अगर बात करें ये और एग्जाम्स की, जैसे कि एसएससी सीपीओ हो गया, फिर रिटर्न हो गया है जिसका नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में आना है, वो बच्चे डरे तो बात रहता है, लेकिन आप लोगों को डरने की आवश्यकता तो नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, थोड़ा सा लेट सवेर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि नोटिफिकेशन जितना ज़्यादा डिले हो रहा है, क्या स्टूडेंट को इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो किन को मिलेगा फायदा इसका, किन स्टूडेंट्स को हो सकता है फायदा इस नोटिफिकेशन के देर से होने का। देखिए गाइस, अगर नोटिफिकेशन होता है लेट आपका, तो इससे तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, खाली नोटिफिकेशन लेट होने से। हाँ, अगर एग्जाम डेट थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। यस, उन स्टूडेंट को जो फ्रेशर हैं, इसी साल अपनी तैयारियों में लगे हैं, उनके लिए डेफिनेटली फायदे की बात है। यस, अदरवाइज जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी लगभग कंप्लीट है, उनको तो दिक्कत ही होगी, लेकिन जो बच्चे बेचारे अभी लगे हैं तैयारियों में, उनके लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि देखा जाए तो अपनी डेट से लगभग 10 से 11 दिन आगे बढ़ चुका है। इतना ही दिन अगर आगे एग्ज़ाम को आगे बढ़ाते हैं, हालांकि अगर अभी नोटिफिकेशन कभी भी आता है इसी महीने में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक ही, तो एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर और ज़्यादा लेट होता है तो एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। यस, तो इसका इलाज साफ साफ मिल सकता है फ्रेशर्स को और आपको भी, क्योंकि आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, मॉक अच्छे से कर सकते हैं, बहुत सारे फायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं इसके। यस, तो आप लोग अपनी तैयारियों में तो लगे रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि सर, क्या हम लोग सीपीओ को छोड़ करके किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। देखिए, अगर आप लोगों का टारगेट सिर्फ सीपीओ है, फिर तो मत छोड़ो इसको, लगे रहो इसमें। लेकिन अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है किसी भी तरह से, और कोई भी मिले, तो आप इसको छोड़ो मत, साथ में दूसरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। रेलवे ALP आ रहा है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दोबारा होगा, और बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, आप साथ साथ उसको लगा सकते हैं। देखिए, प्रिपरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है एसएससी सीपीओ में और अदर एग्ज़ाम्स में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है तो गैस बस इंग्लिश का, यानी कि कुछ एग्जाम्स में आपको इंग्लिश करनी पड़ती है, कुछ में आपको इंग्लिश नहीं करनी पड़ती है, बस ये एक डिफरेंस आपके सामने आ सकता है, अदरवाइज प्रिपरेशन लगभग सबकी सेम है। यस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, GS, करंट अफेयर्स, सभी में यही सब कुछ आना है, किसी में हिंदी आ रही है, किसी में इंग्लिश आ रही है, तो लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता है कहीं कहीं जा करके, बाकी अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं वो जस्ट कॉमन रहते हैं, तो आप लोग लग सकते हैं तैयारियों में। लेकिन अगर जिनका टारगेट सिर्फ सीपीओ ही है, तो वो सीपीओ को पूरा अच्छे टारगेट से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, मॉक दें, यस, अपने स्पीड चेक करें, अपने स्कोर को और बूस्ट करें, अपने अंदर एक्यूरेसी लाएं, वो इसी ध्येय के साथ में लगे रहें, तो डेफिनेटली सफलता मिल जाएगी। लेकिन जिनका एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब लेना है, वो लगें तैयारियों में अपनी, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा। आप लोग अपनी इसकी भी तैयारी प्रिपरेशन रखें, मतलब ऐसा नहीं कि आपने इसकी भी कुछ छोड़ दी, आप अपना प्रिपरेशन रखें तैयार, बस आपको लग रहा है कि जिस एग्ज़ाम में जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको साथ में जोड़ दें अपने, लाइक आपको लग रहा है कि मुझे यूपी पुलिस के लिए 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, तो आप उनको ऐड कर दें, इसको रिमूव मत करें यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करें, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा डेफिनेटली इसी साल, कोई डरने वाली बात नहीं है। यस, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।